नंबर वन, रोजाना दोनों हाथ के नाखून रगड़ने से कुछ ही दिनों में नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। साथ ही बाल लंबे, घने और मजबूत होते हैं क्योंकि नाखून रगड़ने से सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नए बाल उगने में मदद मिलती है। नंबर टू, दांतों में होने वाले दर्द, कैविटी की समस्याओं को दूर करने के लिए फिटकरी एक बेहतरीन उपाय है। इसे एक गिलास पानी में मिलाकर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले गुल्ला कर ले। साथ ही सांसों की दुर्गंध दूर हो जाती है। वे लोग जो दांतों के पीलेपन से परेशान रहते हैं, उनके लिए फिटकरी बेहद कारगर है। नंबर थ्री, एलोवेरा जेल विटामिन ई जेल जैसा ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो बालों के विकास में मदद करता है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल में थोड़ा सा विटामिन ई जेल मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करें। 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू कर लें। इससे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। नंबर फोर, मेकअप करने से 10 मिनट पहले नारियल तेल की हल्की मसाज कर लें। इसके उपयोग से आपका मेकअप जल्दी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। नंबर फाइव, जिनके सर के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, उनके शरीर में तांबे की कमी हो गई है, ऐसे लोग तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए, फ़ायदा होगा। नंबर सिक्स, 1 गिलास सादा पानी लें, उसमें 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा गुड़ का डालें। अब इसे अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को 5 मिनट तक गैस पर उबाल लें। इसे पानी से रुका हुआ पीरियड फिर से शुरू हो जाता है। नंबर सेवन, रात को सोने से पहले कमरे में तेज पत्ता का धुआं करने से सांस संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। नंबर एट, यदि शरीर में थकावट ज़्यादा रहती है तो बकरी के दूध का सेवन करें। नंबर नाइन, अगर आपको नाक बहने या लगातार छींक आने की समस्या है तो सुबह शाम पैदल चलने से आराम मिलता है। नंबर टेन, अगर सुबह सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने के चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जाने से पहले एक केला ज़रूर खाएं, क्योंकि केला खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नंबर 11, चर्म रोग से बचने के लिए गोभी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आप चाहे तो कच्ची गोभी या इसका जूस बनाकर पी सकते हैं, यह दोनों तरीके से ही कारगर साबित होती है। नंबर 12, बच्चों को कभी भी सिर्फ दूध पिलाकर या खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता, उन्हें ठोस भोजन खाने को दें। नंबर 13, जंक फूड्स खाने से कम उम्र में ही डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 14, एलोवेरा जेल में हल्दी पाउडर मिलाकर गर्म करके ठंडा होने पर दर्द वाली जगह पर लगाने से मौच और गठिया में फ़ायदा मिलता है। नंबर 15, अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं तो 1/2 चम्मच मेथी के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे कुछ दिनों में ही घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 16, खांसी जुकाम से तुरंत छुटकारा पाने के लिए शहद में थोड़ी सी किशमिश मिला लें और इसका सेवन करें। इससे खांसी जुकाम जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। नंबर 17, सुबह जागने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और चेहरे पर ग्लो आता है। नंबर 18, अदरक को कूटकर इसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें शहद मिला लें। अब इस पेस्ट को हफ्ते में 2 बार लगाने से बालों का सफ़ेद होना कम हो जाता है। नंबर 19, पत्ता गोभी में दूध के बराबर कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इस कारण जिन लोगों को दूध पीना नहीं पसंद है, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 20, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो सरसों के हल्के गर्म तेल से पैरों में मालिश करें, दर्द में राहत मिलेगी। नंबर 21, आटा गूंथते वक्त थोड़ा सा दूध मिलाकर गूंथने से रोटियां या पराठे ज़्यादा मुलायम बनते हैं। नंबर 22, चीनी में करेले का रस मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फ़ायदा होता है। नंबर 23, पाँव का दर्द ना जा रहा हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से दर्द खत्म हो जाएगा। नंबर 24, पानी में अदरक उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। नंबर 25, आम को अगर ठंडा करके खाएं और ऊपर से कच्ची लस्सी पी लें तो फोड़े फुंसी वगैरह नहीं निकलेंगे। नंबर 26, रोजाना आड़ू इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी चंद दिनों में कम हो जाएगी। नंबर 27, खीरे को रोजाना छिलके समेत खा लेने से स्किन नम्र और मुलायम हो जाती है। नंबर 28, बालों में दूध लगाने से बालों की जड़, स्किन और सर को ताकत मिलती है। नंबर 29, जख्म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज जला लें, उसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाने से सूजन कम होने लगेगी।
नंबर 13, रोटी पकाने के बाद उसी तवे पर नींबू रगड़ने से तवा अच्छे से क्लीन हो जाता है। नंबर 31, यदि कच्चा अंडा पानी में डालने से नीचे बैठ जाता है तो वो ठीक है, अगर ऊपर उठ जाए तो इसका मतलब है अंडा खराब है। नंबर 32, गर्म पानी में तौलियों को भिगाकर चेहरा साफ करने से डेड स्किन निकल जाती है और चेहरे पर ग्लो आने लगता है। नंबर 33, फिटकरी के ऊपर अंडे की सफेदी लगाकर मुंह पर रगड़ने से झुर्रियां कम हो जाती है। नंबर 34, अगर आपकी आंखों से पानी आता है तो सुबह खाली पेट एक चम्मच सौंफ खाएं और साथ ही 5 से 7 बादाम खाएं, आपकी आंखों से पानी आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नंबर 35, दाल बनाते समय उसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपको कभी भी पेट की कोई समस्या नहीं होगी। नंबर 36, यदि बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो इसके लिए सोते समय एक छोटा चम्मच शहद चटा दें, ऐसा करने से कुछ ही दिनों में पेशाब करने की समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 37, रोज़ाना गर्म पानी का सेवन करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और दिल भी स्वस्थ रहता है। नंबर 38, नीम और बेर के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से सिर धो लें, बाल गिरने की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 39, सुबह बासी मुंह 2 ग्लास पानी पीने से शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो जाती है और साथ ही चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। नंबर 40, जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उन्हें दही में काले नमक के साथ काली मिर्च मिलाकर सेवन करना चाहिए, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे शरीर पर जमी एक्स्ट्रा चर्बी कम हो जाती है। नंबर 41, टॉयलेट में मुंह खोलकर बैठने से फेफड़े खराब हो जाते हैं। नंबर 42, अगर चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नज़र आने लगे तो दूध में छुआड़े उबाल कर पिए। नंबर 43, गर्म कपड़े या कंबल को अलमारी में ज़्यादा समय तक रखने से कपड़ों से बदबू आने लगती है, इसके लिए अलमारी में कपड़ों के साथ खाली बोतल परफ्यूम की रख दें, इससे जब भी आप कपड़ों को निकालेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। नंबर 44, अगर आपको सूखी खांसी रहती है तो आप रात को सोते समय गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पिए। नंबर 45, हर बात को ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग भी वही सोचने लगता है जो असलियत में होता ही नहीं है। नंबर 46, गेहूं की दलिया में देसी खांड, बादाम की गिरी और देसी घी मिलाकर दलिया खाने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और दलिया खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 47, अगर पेट में दर्द हो तो जीरा पीसकर शहद के साथ चाट लो, फौरन ठीक हो जाएगा। नंबर 48, ज़्यादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नंबर 49, हल्दी नमक और सरसों के तेल को मिलाकर इसे दांतों पर लगाएं, दांतों में लगे हुए कीड़े मर जाते हैं। नंबर 50, अगर कोई भी मीठी चीज खाते हैं उसके बाद गुड़ का सेवन ज़रूर करें, इससे आपको शुगर की समस्या नहीं होगी। नंबर 51, अगर आपके नाखून का रंग फीका पड़ गया हो तो ये लीवर से जुड़ी बीमारी, किडनी डिसीज और दिल से जुड़ी समस्याओं का कारण हो सकता है। कई बार यह समस्या उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकती है या फिर शरीर में खून की कमी हो सकती है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।